हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक रैचेट व्हील डिजाइन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज रोजाना लाते रहता हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो ये हमारी रेफरेंस ड्रॉइंग है, इसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू दिया है। तो आप फ्रंट व्यू में देख सकते हैं हमें सबसे पहले ये दो सर्कल्स बनाने हैं 64 डायमीटर एंड 80 डायमीटर के, उन्हें एज अ कंस्ट्रक्शन कर देना है। एंड नेक्स्ट हमें ये वाला पार्ट पोर्शन निकालना है, इन दोनों लाइंस के बीच में का एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमें ये दो सर्कल्स बनाने हैं डायमीटर 12 एंड डायमीटर 6 mm का। नेक्स्ट इसे एक्सट्रूड करना है हमें 6 mm तक। इसमें से जो बड़ा वाला होल है इसे यहाँ से 1 mm आउटसाइड एक्सट्रूड करना है एंड यहाँ से 1 mm इनसाइड कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा, स्केच। नेक्स्ट हम दो सर्कल्स बनाने हैं, एंड देन इन्हें दे देंगे स्मार्ट डायमेंशन। डायमीटर रखेंगे 80 mm, इसका डायमीटर है 64 mm। राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें इस सर्कल को और इस सर्कल को, दोनों को हमें करना है कंस्ट्रक्शन एंड सेलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकालनी है यहाँ तक, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमें यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से यहाँ तक, एंड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट डायमेंशन। इस लाइन और इस सेंटर लाइन के बीच में का हमें एंगल देना है 60 डिग्री, ओके। देन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है 3-point arc। नेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूंगा इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को। इसे रेडियस देनी है हमें 46 mm, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमें इस लाइन को एंड इस आर्क को करना है सर्कुलर पैटर्न, तो यहां से सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर पैटर्न। देन मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा एंड देन इस वाली लाइन को। यहाँ पर हमें एंटिटीज देनी है 6 360 डिग्री एंड इक्वल स्पेसिंग यहाँ पर आपको रखना है। नेक्स्ट करेंगे इसे ओके। अब हमें यहाँ पर R1 mm का फिलेट देना है यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा फिलेट, इसे रेडियस दे देते 1 mm। नेक्स्ट में ये पॉइंट इसे मैं एज़ इट इज़ इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही सभी पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पर ओके, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें और दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ से मैं ओरिजिन पॉइंट से दो सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे देने हैं डायमेंशंस, तो इसको दे देता हूँ मैं डायमीटर 6 mm, इसको दे देंगे 12 mm, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसे करना है फुल्ली डिफाइन, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले रिलेशंस के नीचे, आपको यहाँ पर फुल्ली डिफाइन स्केच का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑल एंटिटीज इन स्केच, यहाँ पर आपका रिलेशंस ऑन होगा तो इसे ऑफ कर देना है एंड देन सिलेक्ट करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ से फीचर्स में और सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस, यहाँ से इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है एंड सेम ये वाली, यहाँ पर इसे पूरा सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसे देना है 6 mm एक्सट्रूड,
यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड सिलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ से फिर से स्केच को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस वेस। इस टाइम हमें ये वाला सेक्शन चाहिए एंड इसे एक्सट्रूड करना है हमें 7 mm, क्योंकि ये टोटल हो गया है 6 mm एंड उसके बाद में हमें यहाँ पर 1 mm एक्सट्रूड करना है। इसके लिए हमने डिस्टेंस दे दिया 7 mm, सिलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है फिर से स्केच को एंड चूज करेंगे एक्सट्रूडेड कट। इस टाइम मुझे ये स्मॉलर सर्कल के बीच में का पोर्शन सिलेक्ट करना है इसे एंड देन इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और इसे करेंगे थ्रू ऑल, देन करना है इसे ओके ओके। नेक्स्ट हमें फिर से स्केच को सिलेक्ट करेंगे एंड देन करेंगे एक्सट्रूडेड कट। इस टाइम ये वाला स्केच रिवर्स डायरेक्शन 1 mm कर देंगे एंड सिलेक्ट करना है ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फिलेट्स देने हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं फिलेट, देन इसे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे दे देंगे 2 mm, कर देना है यहाँ से ओके। यहाँ से मैं सीन चेंज कर देता हूँ टू प्लेन व्हाइट एंड इसे अपीयरेंस दे देते हैं कुछ इस कलर एंड सिलेक्ट करेंगे ओके। तो यहाँ पर हमारा रैशेट व्हील बन के रेडी हो चुका है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोज रोजाना लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।